हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ 17, 18 और 19 सितंबर का जो रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में के माध्यम से बता दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप के वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही उसके साइड में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप हमारी वीडियो आगे भी देख सकें। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये साइंस के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो दो इसलिए वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपका अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, आगे आपका एग्जाम है, तो आपके लिए जरूर फायदेमंद होंगे। क्योंकि रेलवे में ऐसा हो देखा जा रहा है कि कई क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किस बीमारी में होता है। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, कोबाल्ट 60 होता है, इसका प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों, पूछा गया था कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। तो लाल थान वाला वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन, इसका आंसर लाल थान वाला इसका आंसर सही हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, नवजात शिशु में श्वसन दर कितनी होती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि नवजात शिशु में श्वसन दर कितनी होती है। तो बच्चे की जो नवजात शिशु होता है उसकी श्वसन दर 32 होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, ये वर्तमान में अभी बनी है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, तो रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो आप इसे याद रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन की द्रव्यमान संख्या है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारी आवर्त सारणी है वहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछा जा रहा है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में पूछा गया था कि कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता है कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था दोस्तों, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पूछा गया था जो बिम्सटेक सम्मेलन है 2018 का, ये कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो ये ढाका में संपन्न हुआ है, जो कि बांग्लादेश में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो पूछा गया था। यहाँ पूछा गया था, अंडर 20 महिला विश्व कप 2018 किसने जीता है। तो दोस्तों, अंडर 20 महिला विश्व कप 2018 में संपन्न हुआ है और इसे जापान ने जीता है। तो इसका आंसर जापान हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, असम के राज्यपाल कौन है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हर एग्जाम में जितने 29 राज्य हैं उन सभी के राज्यपाल और उनके मुख्यमंत्री आप सभी को याद होने चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में एक न एक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर असम के राज्यपाल पूछा गया था, तो जगदीश मुखी असम के राज्यपाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैत्री युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है। तो दोस्तों, ये युद्ध अभ्यास अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और ये पूछ लिया गया एग्जाम में। तो भारत और थाईलैंड के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ है मैत्री, तो आप इसे याद रखिए, आगे से आगे भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 का हॉकी विश्व कप कहाँ पर होगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया था कि 2018 में जो हॉकी विश्व कप है अभी हुआ नहीं है, ये भारत में होगा और ये उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है। तो दोस्तों, आपसे पूछा है जो बेकिंग सोडा होता है इसका फार्मूला क्या है। तो आप सभी को पता होगा NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, 1/6 पृथ्वी के भार का होता है चंद्रमा पर भार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन से तत्व विलोक में स्थित होगा। तो दोस्तों, जिस परमाणु क्रमांक का 30 परमाणु क्रमांक है तत्व का, वो तत्व डी में ब्लॉक में स्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को बाहर सबसे ज्यादा, सॉरी दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। यहाँ क्वेश्चन में था किसी वस्तु का बाहर सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो सबसे ज्यादा किसी वस्तु का बाहर ध्रुवों पर होता है। तो इसका आंसर हो जाता ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो यानी कि कितने कोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सभी को पता होगा ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में यानी कि इस्पात में होती है,
और सबसे कम हवा में होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। इसे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अब ये पूछा जा सकता है कि सबसे कम ध्वनि की चाल किस में होती है, तो सबसे कम हवा में होती है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता है, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है करंट का क्वेश्चन है, जो पूछा गया था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो मार्क टुली को ये अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे ALP एग्जाम में भी कई बार पूछा गया था, और यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा, रेल रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी, तो इसका आंसर लैंड स्टीनर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी जल का फॉर्मूला क्या है? तो बाहरी जल का फॉर्मूला D2 होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्म जो होता है वो उच्च जो बोल्ट होती है, जो बोल्टता होती है, उसे उच्च या निम्न करता है, घटाता बढ़ाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो सबसे हल्की गैस हीलियम है, आप सभी को पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया थी, ये जो हाइड्रोमीटर यंत्र होता है, इसका मापन किस में किससे इसका मापन किया जाता है, किस चीज़ का हाइड्रोमीटर से मापन किया जाता है? तो अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पीछे ALP एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पर ये पूछा गया है, वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भारत का स्थान है, छठा स्थान है, छठी रैंक भारत की है, तो ये याद रखिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका आंसर अहमदाबाद हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार 2017 साहित्य में किसे दिया गया? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नोबेल पुरस्कार है, आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार चाहे साहित्य में हो या इकोनॉमी में हो या फिजिक्स केमिस्ट्री या शांति में, इन सभी में जितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, आप सभी को याद कर लेना है क्योंकि नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो साहित्य के क्षेत्र में पूछा गया था, तो साहित्य के क्षेत्र में काजुओ इशिगुरो को 2017 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 फीचर फिल्म कौन सी है? दोस्तों 2018 में ये नेशनल अवार्ड दिया गया है, तो इसमें पूछा था कि फीचर फिल्म कौन सी है, तो ब्लेज रॉक स्टार फीचर फिल्म है, तो इसका आंसर ये हो जाता है, ब्लेज रॉक स्टार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीदरलैंड की राजधानी बतानी थी आपको, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स टर्मेड टर्डेम इसकी राजधानी है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो जोधपुर है, ये राजस्थान में पड़ता है, ये भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन बना है, तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोबा स्मार्ट सिटी शहर कौन सा है? तो आपको बताना था, ये भी करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि सोबी स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो शिलोंग सोबी स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है, तो इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया में रहने के लिए सबसे बेस्ट सिटी कौन सी है? तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो पुणे सबसे अच्छा शहर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के राज्यपाल, तो आपसे पूछा गया था बिहार के राज्यपाल कौन है, तो लालजी टंडन वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारत के खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल वोटर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा नाम चेंज हो गया, ये यहाँ मोदी नहीं है, यहाँ पर लूका नाम से कोई व्यक्ति है, तो उन्हें दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला फीफा विश्व कप 2019 कहाँ पर आयोजित होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था, जो 2019 में आने वाला 2019 में महिला फीफा विश्व कप है, ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसे फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, इसे याद रखिएगा, आगे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शूटिंग वर्ल्ड कप 2019 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है शूटिंग वर्ल्ड कप 2019 में किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये शूटिंग वर्ल्ड कप 2019 में भारत में आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोवा ब्रिक्स सम्मेलन 2017 कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो 2017 का नोवा ब्रिक्स सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो सिक्किम के राज्यपाल वर्तमान में गंगा प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो आपसे पूछा था कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो राजेंद्र सिंह हॉकी इंडिया के यहाँ पर अध्यक्ष हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, यहाँ पर पूछा गया था, लेकिन एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो इसे याद रखेगा, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, पाली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों विराट कोहली को अभी हाल ही में ये पाली उमरीगर अवार्ड दिया गया था और ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर विराट कोहली हो जाता। और आपको बता दूं, विराट कोहली को ये जो पुरस्कार है ये तीसरी बार मिला है, तो आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विराट कोहली को पाली उमरीगर अवार्ड कितनी बार मिला है, तो इसे याद रखेगा, तीसरी बार इन्हें ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो दोस्तों ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, जो हीरा होता है इसका क्रांतिक कोण 24.2 डिग्री इसका क्रांतिक कोण होता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर की हाल ही में नई प्रथम महिला जज कौन बनी है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था और ये पूछ लिया गया था, हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला जज बनी है गीता मित्तल, तो इसका आंसर गीता मित्तल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में 18 वर्ग में कुल कितने तत्व हैं? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी काफ़ी मेन है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर हर पाली में पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में कुल कितने तत्व हैं, तो 18वें वर्ग में 7 तत्व हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ट्रेन का नाम बदलकर अटल एक्सप्रेस रखा गया? तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता होगा, जो अभी अगस्त में अटल जी थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनका निधन हो गया, तो उनसे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अभी जो हाल ही में ये एक ट्रेन थी बुंदेलखंड एक्सप्रेस, इसका नाम बदलकर अटल एक्सप्रेस रखा गया है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों आपको बताना था कि मणिपुर की मुख्यमंत्री कौन है, तो ब्रेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पर पूछा गया था आईफा 2017 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये पूछा गया था कि आईफा 2017 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था, तो आलिया भट्ट को ये अवार्ड दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ लिया गया था, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? आपको बताना था कि जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसे किस देश ने जीता था, तो इंग्लैंड ने अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीबी की वैक्सीन का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बताना था कि टीबी की वैक्सीन का नाम क्या है, तो आप सभी को पता होगा बीसीजी का टीका टीबी की वैक्सीन, यानी कि बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो इसका आंसर बीसीजी हो जाता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता क्या होती है? आपको बताना था कि लेंस की क्षमता कैसे नापी जाती है, क्या इसकी क्षमता होती है, तो डायरेक्टर से इसकी क्षमता मापी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हार्मोन के कारण पौधे सूर्य की तरफ झुकते हैं? दोस्तों ये को साइंस के क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा हार्मोन है कि किसके कारण जो पौधे होते हैं सूर्य की तरफ झुक जाते हैं, तो ऑक्सीन, यहाँ पर ऑक्सीन हार्मोन है ये, तो इसके कारण जो पौधे होते हैं सूर्य की तरफ झुक जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत फाइबर कहाँ पाया जाता है? तो मांसपेशियों में श्वेत फाइबर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उनका क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पौधे मरुस्थल में उग जाते हैं उनको किस नाम से उन्हें पुकारा जाता है, तो जीरोफाइड उन्हें नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है, और मैं आपको बता दूं जो सबसे हल्की धातु आपको वो भी याद कर लेनी है,
वो सबसे भारी तत्व भी आपको याद कर लेना है, और सबसे भारी तत्व और सबसे हल्का तत्व भी आपको, ये तीन चार चीज़ें आपको याद कर लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हॉर्स पावर कितना होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये अभी भी पूछा जा रहा है। 746 वाट के बराबर एक हॉर्स पावर होता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल की इकाई क्या है? तो बल का मात्रक पूछा जाए तो आप सभी को पता होगा न्यूटन बल की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो रोग होता है मिनी माता, इसे मीनाक्षी रोग भी कहा जाता है, ये किसकी कमी के कारण होता है? तो मरकरी से ये रोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया गेम्स में टॉप पर कौन सा राज्य रहा? तो दोस्तों जो खेलो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे भारत में, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि नंबर वन पर कौन सा राज्य रहा था, किसने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे? तो हरियाणा राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक इसमें जीते थे, तो इसका आंसर हरियाणा हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सऊदी अरब की हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सऊदी अरब की सबसे हाई स्पीड यानी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो हरमेन सऊदी अरब की सबसे हाई स्पीड ट्रेन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो आपसे पूछा गया था कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड आप सभी को पता होगा ये सबसे छोटा पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं रघुबर दास। तो अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2018 बेस्ट एक्टर किसे दिया गया? तो दोस्तों ये पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है, इसमें पूछा गया था कि 2018 का फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर किसे दिया गया है, तो इरफान खान बेस्ट एक्टर इसमें इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है कि फिल्म फेयर 2018 का बेस्ट एक्टर्स यानी महिला के बारे में पूछ सकता है, या बेस्ट फिल्म पूछ सकता है, तो आप इसे फिल्म फेयर अवार्ड को याद कर लीजिए लिएगा, या मैं आपको, अगर आप कहेंगे, मैं इसके वीडियो अलग बना के आपको दे दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो आपसे पूछा गया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो एमानुअल मार्कोन मैक्रोन यहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो इसका आंसर ये हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैंने खुद एक दो बार जब एग्जाम दिया था वहां पर ये क्वेश्चन कई बार मैंने अपने सामने देखा है, करीब 2 बार तो मैंने ये देखा है कि एग्जाम में पूछा गया था अपने सामने, तो यहाँ पर भी ये पूछा गया था। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसे तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आपका शरीर का कोई अंग कट जाता है तो वहाँ से जो खून निकलता है उसके बाद जो खून जम जाता है, तो जो खून रुक जाता है उसका जो थक्का बन जाता है यानी कि जमने के बाद जो थक्का जम जाता है, क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा विटामिन इसमें सहायक होता है, तो विटामिन के इसमें सहायक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, तो यहाँ पूछे गए थे भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में, तो जेपी नड्डा भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो 17, 18 और 19 सितंबर को पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर आप आगे भी वीडियो चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार की वीडियो लाते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।